न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है हिंदी। विधानसभा अध्यक्ष ने हिंदी दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने किया गुरु गोरखनाथ का दर्शन। ब्राह्मलीन युग पुरुष महंत दिग्विजय नाथ एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका माथा, किया श्रद्धा सुमन अर्पित। ब्रह्मलीन महंत द्वय के पुण्यतिथि समारोह में मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा, संस्कृत माता एवं उसकी पुत्री है संस्कृति, दोनों का प्रभाव पड़ता है साथ साथ। अंतिम रिपोर्ट लगाने के नाम पर 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। सर्विस रिवॉल्वर व अन्य कागजात किए जब्त। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए वोटरों को जोड़े जाने की समीक्षा। कहा, नए वोटर को मोबाइल ऐप एवं वोटर लिस्ट से जोड़ने और वोटरों को सत्यापन पर दिया जोर। ब्रह्मलीन युग पुरुष दिग्विजय नाथ की 50वीं एवं ब्रह्मलीन राष्ट्र संत अवैधनाथ की 5वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, किया गुरु गोरखनाथ का दर्शन टेका माथा। प्रमुख खास सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी धान खरीद को लेकर चल रही तैयारियों पर अधिकारियों के साथ की चर्चा। अधिकारियों को दिए निर्देश कि किसी भी तरीके से की समस्या ना होने पाए किसानों को। करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज, एक महिला की हालत गंभीर। बेलीपार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शाती लुटेरों को असलहे के साथ किया गिरफ्तार। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक। अपराध की गई समीक्षा, दिया निर्देश। ब्रह्मलीन महंत द्वय की पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष में गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय कर रहा है निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य मेला। चिकित्सालय के अपर निदेशक ने कहा, फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक भी निःशुल्क विशाल स्वास्थ्य मेले में प्रदान करेंगे अपनी सेवाएं। राप्ती नदी किनारे बने आर्टिफिशियल पोखरे में विसर्जित हुई गणेश प्रतिमाएं, सुरक्षा के रहे व्यापक बंदोबस्त, सकुशल संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन। थाना शाहपुर में कार्यरत कांस्टेबल राजदीप शर्मा को ब्लड की आवश्यकता होने पर थाना शाहपुर की टीम ने किया ब्लड डोनेट, लिया संकल्प, जरूरत पड़ने पर और रक्तदान करेगी थाना शाहपुर की टीम। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संगठन का संयुक्त मोर्चा के बैनर तले निकाला जुलूस, खोला मोर्चा। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में चल रहा जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता 2019, आदर्श क्लब बेलवार के खिलाड़ियों ने गोल मारकर अपनी टीम को 1-0 से दिलाई जीत। और रुक रुक कर हो रही बारिश से मिली राहत, शहर के कई हिस्सों में जलजमाव की स्थिति, कलेक्ट्रेट परिसर में भी लगा पानी।